गाजीपुर में नंदगंज थाना पुलिस और स्वाट टीम ने रविवार की रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का पर्दाफाश किया। सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में SP रोहन पी बोत्रे ने अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश किया। उन्होंने बताया कि 2 गुटों में आए दिन मारपीट और गाली गलौज को लेकर सत्यम सिंह की हत्या की वारदात हुई थी। मालूम हो कि बीते 25 अगस्त को नंदगंज थाना क्षेत्र के बरापुर गांव में करंडा थाना क्षेत्र के निवासी युवक सत्यम सिंह की हत्या की वारदात हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में रविवार की रात नंदगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पुलिया के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। SP ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरा निवासी अमन यादव सहित नंदगंज के श्रीगंज निवासी 2 नाबालिग शामिल हैं। इनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हुए पटरे के साथ एक बाइक बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक सत्यम आए दिन हम लोगों से बेवजह मारपीट करता था, इसलिए हम लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। SP ने बताया कि हत्याकांड में शामिल 2 अन्य व्यक्तियों की तलाश की जा रही है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह, प्रभारी स्वॉट टीम उप निरीक्षक रामाश्रय राय, उप निरीक्षक संतोष कुमार राय, हेड कांस्टेबल धर्मदेव, अखिलेश वर्मा और अंकित सिंह शामिल रहे। अपराधी पकड़ के आए थे, क्या है मामला उनका? देखिए, थाना नंदगंज में 25/8/2022 को एक मर्डर की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। सत्यम सिंह इस लड़के का नाम था जिसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में 3 टीमों का गठन करके लगाया गया था और 3 व्यक्तियों की कल गिरफ्तारी जो है पुलिस को करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जिसका नाम अमन यादव है और 2 बाल अपचारी है, जिसके नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं रहेगा। इन लोगों के बीच में जो है लगातार झगड़े चलते थे। 2 गुट इनके बने हुए थे उसी गांव में, थाना नंदगंज में, और लगातार इनकी झगड़े वहां पे चलते थे। उसी झगड़े से रिलेटेड ये पूरा प्रकरण जो है वो हुआ था और एक व्यक्ति की इसमें हत्या हुई थी। और इसमें 2 व्यक्तियों की सूचना पुलिस को मिल रही है कि 2 व्यक्ति अन्य थे इसमें, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।